जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मेरे किचन में जमने जा रहा है ये भिंडी। भिंडी को हम एक बेहतरीन और नए तरीके से बनाएंगे। एक जैसा रेसिपी खाते खाते मन धर जाता है, तो हम इसको ऐसा रेसिपी बनाएंगे जो सबको खाना, चाय के साथ, कॉफी के साथ, या ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर, कुछ भी इसके साथ, और चावल, दाल, पापड़, तिलौरी, भुजिया के साथ भी इसको हम खाएंगे। ऐसा हम रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये भिंडी जो हम लिए हैं, ये भिंडी का हम जो रेसिपी बनाएंगे उसका नाम हम दिए हैं कुरकुरा भिंडी। कुरकुरा भिंडी बहुत ही टेस्टी, क्रंची और करकट टाइप में हम बनाएंगे। तो इस भिंडी को सबसे पहले हम वॉश करेंगे। तो अच्छे से हम पहले वॉश करेंगे। भिंडी को हम वॉश कर लिए हैं, तो अब हम इसमें कट लगाएंगे। इस तरह से हम इसे कट लगाएंगे और इसका जो बीज है इसको हमें निकाल देना है। बीज निकालना है, हम हर भिंडी में से हम बीज निकाल देंगे। सारे भिंडी को हम इसी तरह कट लगा कर इसमें से अंदर में जो बीज है इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे भिंडी में कट लगा कर बीज निकालेंगे। भिंडी को बीज निकाल कर देखिए अच्छी तरह से काट लिए हैं। तो चलिए हम इसमें मसाला मिक्स कर लेते हैं। कुरकुरे भिंडी बनाने के लिए हम देखिए मसाला मिक्स करेंगे। तो मसाला में ले लिए हैं अरारोट ले लिए हैं, बेसन ले लिए हैं, दो चार कलिया हम लहसुन को बारीक कूट लिए हैं, और एक चम्मच हम ले लिए हैं आमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें अरारोट मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बेसन मिक्स करेंगे, लहसुन, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हम कलर के लिए डालेंगे, और मिर्ची पाउडर, तीखा और चटपटा लगे खाने में। साथ ही हम यह धनिया बारीक कटा हुआ है सो डालेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों नमक हम अभी नहीं मिक्स करेंगे, नमक हम तलते समय मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट तक हम इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम चूल्हा जलाएंगे। चले चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जला लिए हैं तो हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो तेल गरम हो रहा है तो कुरकुरे भिंडी में हम नमक डाल लेते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं नमक। तो चलिए तेल गरम है तो हम फ्राई करेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे, इसलिए चिपकेगा नहीं। पलट लेते हैं। कुरकुरे भिंडी बन के तैयार हो गया है तो हम तेल में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे कुरकुरे भिंडी बना लेंगे। भिंडी फ्राई हो गया है।
दोस्तों मेरा कुरकुरा भिंडी तो बनके तैयार हो गया है और शाम का समय है, हम तो इसे एंजॉय करेंगे चाय के साथ। आप किस चीज के साथ एंजॉय करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, लाइक करने से पहले लाल बटन को भी थोड़ा दबा लीजिएगा। तो चलिए हम खा कर दिखाते हैं जो कैसा बना है। दम करकराहट है, करंची कुरकुरा भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।